फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेंस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको शेयर करने वाली हूँ मूंगफली की चिक्की। तो टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो भी इसमें टिप्स ट्रिक होता है आप उसको फॉलो कीजिएगा, आपकी चिक्की कभी भी खराब नहीं होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं 2 कटोरी यहाँ पर मूंगफली लेती हूँ। तो आप मेजरिंग कप से ले सकते हैं या घर में कोई भी बर्तन, गिलास, कटोरी उससे माप करके ले सकते हैं। तो 2 कटोरी मैंने ले लिया है यहाँ पर मूंगफली। और देखिए, मूंगफली अच्छा लेना है, थोड़ा क्लीन, जो भी दानेदार हो इस तरह का मूंगफली लेना है। और उसको थोड़ा सा चुन लीजिए, क्लीन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे। तो गैस जला ली हूँ मैं और कढ़ाई के अंदर मैंने मूंगफली को डाल दिया है। और इसके अंदर अभी तक मैंने तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है फ्राई करने के लिए। और थोड़ी देर के लिए इसी तरह से इसे रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो आपने अभी देखा नहीं होगा कि ऑयल डाल के मूँगफली को रोस्ट करते हैं और चिक्की बनाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, ये टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसको लगाने से, तेल को डालने से क्या होता है कि मूंगफली जल्दी से रोस्ट हो जाता है और छिलके बहुत ही बढ़िया से निकल जाते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर तेल डाला है। तो देख सकते हैं, तेल मैंने थोड़ा सा ही डाला है, रिफाइंड ऑयल है, और उसको डालकर रोस्ट कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रोस्ट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जल जाएगा और इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। रोस्ट हो चुका है और मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, देख सकते हैं। अब इसके छिलके हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हाथ से भी इस तरह से निकल जाएगा, नहीं तो कपड़े के ऊपर रख करके उसे मसल लीजिए और बहुत ही इजी तरीके से सारे छिलके निकल जाएंगे। अब मैं इसको छान लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और बीच से देखिए, इस तरह से मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं हाथ पे मसल मसल के, और इस तरह से 2 टुकड़े हो गए हैं। ज़्यादा इसको मारना नहीं है, लोग बेलन से भी मार के 2 टुकड़े करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा धूर धूर हो जाता है, ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं तो वो अच्छा नहीं बनता है। इस तरह से 1 में 2 टुकड़े ही होने चाहिए। तो इस तरह से फली को आप रेडी करके रख लीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है कि हम चकला लेंगे या कोई चॉपिंग बोर्ड लेंगे, उसको क्या करेंगे, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ऑयल अच्छी तरह से लगाइएगा, खूब बढ़िया से, ताकि वो निकलने में दिक्कत ना आए। और इसी तरह से बेलन में भी हम लगा लेंगे। तो दोनों को ऑयल से ग्रीस करके रेडी करके साइड में रखेंगे। अब चलिए हम यहाँ पर गुड़ लेते हैं और गुड़ को पिघलाते हैं, यानी कि इसके पाक बनाते हैं। तो देखिए, वही कटोरी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इससे मैं 1.5 कटोरी यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ। तो 2 कटोरी मैंने मूँगफली लिया था, तो 1.5 कटोरी मैं यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ। आप 1 कटोरी से भी बन जाएगा, लेकिन मीठा थोड़ा कम होगा और अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने 1.5 कटोरी लिया हुआ है। और ये मेजरमेंट परफेक्ट है, 1.5 कटोरी। और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून यहाँ पर पानी डाल दी हूँ। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1 से 2 स्पून ही डालना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। और देखिए, गुड़ अच्छी तरह से उबल चुका है, देख सकते हैं। अब मैं उसको चेक कर रही हूँ पानी कटोरी में लेकर के, और उसमें डाल के इस तरह से देखेंगे। तो देखिए, इस तरह से तार जैसा बन रहा है, तो ये अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी और हमें पकाना है। और फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि फ्लेम को बिल्कुल हम मीडियम रखेंगे और उसी पर गुड़ को अच्छे से पकाएंगे, नहीं तो गुड़ बहुत ही जल्दी जलने लगता है और जल भी जाएगा। तो अभी और हमें पकाना है इसे, तो इसी तरह से चलाते हुए लगातार मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, चलाते रहूंगी और इसी तरह से इसे पकाएंगे। तो फिर मैं दोबारा एक बार और मैं चेक कर रही हूँ 2-3 मिनट के बाद, तो देखते हैं अब रेडी हुआ है कि नहीं। तो देखिए, अब पहले से ये अलग तरीके से हो गया है, अब तार के जैसे नहीं बन रहा है। तो ये रेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी और मुझे इसके अंदर कसर लग रही है कि रेडी नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए और मैं इसे पकाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और लगातार मैंने बोला पहले भी, इसे चलाते रहना है और उसके बाद हम इसके अंदर मूंगफली डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी चेंज हो गया है, काफ़ी डार्क हो चुका है जल के। और इसी तरह से रेडी हो गया है, चलाती रहती हूँ मैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मूंगफली, ये रेडी हो चुका है परफेक्ट, देख सकते हैं। और इस स्टेज पे आप चाहें तो गैस को बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो उसी तरह रख करके इसके अंदर मूंगफली डाल लीजिए और इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो मैं गैस को बंद नहीं करी हूँ, अभी चालू ही है, इसी तरह से बिल्कुल धीमी कर दिया है मैंने फ्लेम को और इसी तरह से मैं चला रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब थोड़ा मोबाइल मेरा दिक्कत कर रहा है, तो आपको थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसी तरह से मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और देखिए, रेडी हो चुका है, इसकी बाइंडिंग भी बनने लगी है
और हम लेके आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर। देखिए यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर मैंने डाल लिया है और एक मिस्टेकिंग यहाँ पर मुझसे हो गई है फ्रेंड्स। मैं कुछ भी छिपाती नहीं हूँ, जो रियलिटी मेरे पास बनता है बनाती हूँ उसी तरह से मैं दिखाती हूँ कि गैस को मैंने ऑफ नहीं किया था और उसी पर दो मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, तो ज़्यादा काला हो चुका है गुड़ और इस तरह से इसका कलर आ गया है। और मैं बेलन से बेल ली हूँ, इसे रेडी कर ली हूँ, देख सकते हैं फैला दी हूँ और 5 मिनट के बाद में मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। अब हमें इसे पीसेस कट करना है, तो मैं नीचे से एक बार छुड़ा लेती हूँ, अभी गर्म ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तभी हम इसके पीसेस कट करेंगे। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर आपको पीसेस कट करने में दिक्कत आएंगी, तो इसीलिए अभी गर्म गर्म में ही इसे पीसेस कट कर लेंगे। तो 5 मिनट के बाद में देखिए इस तरह से मैंने नीचे से छुड़ा लिया है कलछी से और फिर हम चाकू से इसको कट कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी तरीके से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया पीसेस भी कट करेंगे हो जाएंगे। अगर आप लेट से कट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और पीसेस भी बढ़िया से नहीं कटेंगे, इसलिए थोड़ा गर्म में ही आपको पीसेस कट कर लेना है। तो मैंने पीसेस सारे कट कर लिए हैं फ्रेंड्स, अब निकाल के दिखाती हूँ। अभी अच्छे से निकल नहीं रहे हैं ये, तो और मैं 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी, नहीं निकल रहे हैं, देखिए तार बन रहा है अभी भी, तो इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दी हूँ और निकाल रहे हैं, देखे अब इजी तरीके से निकल रहा बढ़िया से। तो इसी तरह से आपको चिक्की बना लेना है, कोई दिकदारी नहीं है, कोई मतलब ख़राब होने वाला चांस नहीं है, इसी तरह से आपको बनाना है। और देखिए कितने बढ़िया से चिक्की बन करके रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा, अगर कोई इसमें आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर थोड़ी सी भी आप सबको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बनाना है, यही टिप्स और ट्रिक्स है, इसको ज़रूर फॉलो करें और इसी तरह से बनाएंगे तो चिक्की आपके कभी भी ख़राब नहीं होगी। और चलिए प्लेट में सर्व कर लेते हैं, तो इस तरह के रेडी हुई है चिक्की। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दें ये खास है, इसको ज़रूर ध्यान में आपको रख के बनाना है चिक्की, कि जब भी आप चिक्की बनाएं ना तो गुड़ का जो पाक बनाते हैं वही हमें पहचान करना होता है, उसी से अच्छा बनेगा और उसी से आपका चिक्की खराब भी बनेगा, तो वही आपको चेक करना है, देखना है, परखना है जो पाक बनता है, तार बन रहा है कि कैसा बन रहा है। तो मैंने आगे सभी कुछ आपको बता दिया है, उसी तरह से आपको बनाना है। और देखिए ये कितनी कड़क हुई है, तो इसी तरह से आपको बनाना है। और मूंगफली को रोस्ट करके पहले से नहीं रखना है, जब आप बनाएंगे जब भी रोस्ट करके बनाएं।